कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार ने देश भर में 23 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया था। इसके साथ ही देश और प्रदेश में शराब दुकानों को भी बंद कर दिया गया था। करीब 42 दिन बंद रहने के बाद 4 मई को देश और प्रदेश में एक बार फिर शराब दुकानों का संचालन शुरू किया गया। हालांकि इसके पीछे सरकार की मंशा आर्थिक संसाधन जुटाना मात्र रही है। मंडार एवं आसपास सोडा सोनेला भटाना में शराब ठेकेदार राज्य सरकार एवं आबकारी विभाग ने जो भाव तय किया है उस भाव से न बेचकर अधिक मूल्य वसूल रहे हैं। देसी शराब का पौवा टैक्स बढ़ाने के बाद 52 रुपए अंकित है, लेकिन शराब ठेकेदार उसे 70 से 80 में बेच रहे हैं। बियर की बोतल पर 140 अंकित है, उसे भी 180 में बेचकर अवैध वसूली की जा रही है। कभी कभी तो ग्राहक द्वारा ज्यादा पूछताछ करने पर नौबत मारपीट तक पहुंच जाती है। शराब की दुकान पर आबकारी विभाग द्वारा जारी रेट लिस्ट भी नहीं लगा रखी है एवं दुकान पर अनुज्ञाधारी का नाम भी अंकित नहीं है। वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारी मौन बैठे हुए हैं। लोगों की जेब पर शराब के बढ़े हुए दाम भारी पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़ इंडिया।